हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन क्या है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ए ऑप्शन है दानव को, बी ऑप्शन है मानव को, सी ऑप्शन है छात्रों को, डी ऑप्शन है पशुओं को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो मानव को कराता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ए ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, बी ऑप्शन है निरंकुश शासन, सी ऑप्शन है गिरफ्तारी पत्र, डी ऑप्शन है मनसबदारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो निरंकुश शासन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है बुखार से, बी ऑप्शन है खांसी से, सी ऑप्शन है दर्द से, डी ऑप्शन है कब्ज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेनिनजाइटिस का संबंध किससे है। तो मेनिनजाइटिस का संबंध बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, और आपको 50 में से 50 सही करके दिखाना है। अगर आपका 50 में से 50 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है, व्हाट्सएप कर देना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी ऑप्शन है फहियान, सी ऑप्शन है इत्सिंग, डी ऑप्शन है अशोक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P -4.2 और बिंदु Q 8.6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो X1 प्लस X2 बट्टा 2 कॉमा Y1 प्लस Y2 बट्टा 2 होता है। तो बस यहाँ पे आपको X1 का मान रख देना है, यहाँ पे आपको X2 का मान रख देना है, यहाँ पे आपको Y1 का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको Y2 का मान रख देना है।
तो ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला होगा ये एक्स वन होगा, और ये जो दूसरा वाला है ये वाई वन होगा, और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये एक्स टू होगा और दूसरा वाला वाई टू होगा। तो बस यहाँ पे रख दीजिए एक्स वन का मान कितना है, माइनस चार है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस चार, प्लस है तो प्लस, और एक्स टू का मान कितना है आठ है, तो यहाँ पे लिख देंगे आठ, और बट्टा के नीचे दो है तो यहाँ पे लिख देंगे दो। अब यहाँ पे देखिए वाई वन का मान कितना है, दो है, और वाई टू का मान कितना है, छः है, और बट्टा के नीचे दो है तो यहाँ पे लिख देंगे दो। अब यहाँ पे देखिए आठ में से चार निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे चार और बट्टा के नीचे दो है तो दो, और दो और छः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ बट्टा दो हो जाएगा। अब कटा दीजिए दो दूना चार और दो चौका आठ, तो कितना निकल गया, मध्य बिंदु का नियामक दो कोमा चार निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सांसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। ए ऑप्शन है भोजन नहीं मिलने पर, बी ऑप्शन है 50-50 रुपए देने की बात सुनकर, सी ऑप्शन है घर अच्छा नहीं होने के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, तो 50-50 रुपए देने की बात सुनकर घर छोड़कर चली गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है सीरा, सी ऑप्शन है कोशिका, डी ऑप्शन है वेना कैप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो वेना कैप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है और दोनों को जोड़ देना है और उसके बाद देखना है कि ये कौन सी संख्या बनेगा। तो हम यहाँ पे एक परिमेय संख्या 2 ले रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे √3 ले रहे हैं, और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे देखिए 2+√3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 2+√3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है फ्रांस का, सी ऑप्शन है इंग्लैंड का, डी ऑप्शन है जापान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था, तो ये फ्रांस का उपनिवेशक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा, और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, तो वल्ली अमाल की पुत्री पपाती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि तेल लगा हुआ कागज होता है। ए ऑप्शन है पारदर्शी, बी ऑप्शन है अपारदर्शी, सी ऑप्शन है पारभासी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेल लगा हुआ कागज होता है तो परभाषी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए, तो मुंबई में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है तो समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और त्रिघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 4 सदस्य थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन है लाइसोसोम को, सी ऑप्शन है एटीपी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है तो धनात्मक यानी प्लस में भी होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में भी होता है, और कभी कभी 0 यानी 0 भी हो जाता है, यानी इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। ए ऑप्शन है बेटी, बी ऑप्शन है मौसी, सी ऑप्शन है बहू, डी ऑप्शन है सौतिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो बहू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन है लाइसोसोम को, सी ऑप्शन है एटीपी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है निर्देशांक, बी ऑप्शन है मूल बिंदु, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ए ऑप्शन है रक्त का बहाव, बी ऑप्शन है रक्त का थक्का, सी ऑप्शन है रक्त की कमी, सी ऑप्शन है रक्त का संचय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण से होता है, तो रक्त का थक्का बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि लहू लहान कौन भटकेंगे। ए ऑप्शन है भक्त, बी ऑप्शन है भगवान, सी ऑप्शन है दानव, डी ऑप्शन है भगवान के पैर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लहू लहान कौन भटकेंगे, तो भगवान के पैर भटकेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। ए ऑप्शन है निजीकरण, बी ऑप्शन है वैश्वीकरण, सी ऑप्शन है उदारीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, तो निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, उदारीकरण भी है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट है, तो ए और डी निकालें। तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो एपी का प्रथम पद यानी पहला पद कितना है, 3 है। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, तो दूसरा पद 7 है और पहला पद कितना है, 3 है, इसे घटा लीजिए, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी ए का मान यहाँ पे 3 निकल गया और डी का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि कवि क्या सूखने की बात कहता है। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है कपड़ा, डी ऑप्शन है मदिरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि क्या सूखने की बात कहता है, तो मदिरा सूखने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है गुरु अंगद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है,
तो गुरु गोविंद सिंह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो निर्धनता और बेरोजगारी दोनों है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि विफलता पर क्या छलक पड़ता है। ए ऑप्शन है आंसू, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है तेल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विफलता पर क्या छलक पड़ता है, तो आंसू छलक पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्तों में, बी ऑप्शन है छालों में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है, तो छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होता है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है विद्या से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है युद्ध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक का पहला नाम क्या था। ए ऑप्शन है बंधक बैंक, बी ऑप्शन है सहकारी बैंक, सी ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि विकास बैंक का पहला नाम क्या था, तो बंधक बैंक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ए ऑप्शन है वस्तु, बी ऑप्शन है मुद्रा, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है हुंडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कवि हमें क्या सलाह देता है। ए ऑप्शन है नींद से सोने की, बी ऑप्शन है नींद से जागने की, सी ऑप्शन है पैर पसार कर सोने की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि हमें क्या सलाह देता है, तो नींद से जागने की सलाह देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से अधिक, बी ऑप्शन है 5.6 से कम, सी ऑप्शन है 5.6 के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है चांदी का कंगन, सी ऑप्शन है तांबे का कंगन, डी ऑप्शन है लोहे का कंगन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा एक अच्छा, ए ऑप्शन है रियायत है, बी ऑप्शन है मालिक है, सी ऑप्शन है राजा है, डी ऑप्शन है सेवक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है,
तो सेवक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है द्वार कोशिका, बी ऑप्शन है मूल रोम, सी ऑप्शन है चलने कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि जंगल को किससे बचाना है। ए ऑप्शन है मरुस्थल होने से, बी ऑप्शन है प्राणियों के आतंक से, सी ऑप्शन है आग लगाने से, डी ऑप्शन है कांटेदार झाड़ियों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगल को बचाना है तो मरुस्थल होने से बचाना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 50 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं और यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी हमें बताइए कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है श्रीलंका में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जगह है ननकाना साहब ये कहाँ अवस्थित है। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल 8 बजे से यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और ये टेस्ट चलेगा यहाँ पे 3 बजे तक, और यहाँ पे 5 बजे आपका टेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोग टेस्ट के लिए जरूर तैयार हो जाइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।